हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मंदिर पे। हम काफ़ी टाइम से गए नहीं थे मंदिर, तो आज आपको दिखाते हैं मंदिर और थोड़ा मार्केट की सैर कराते हैं। और आज मेरे साथ जा रहे हैं टेन हेलो टेन। गाइस। तो गाइज कुछ इस तरीके से है शाम का नज़ारा। चारों तरफ लाइट चमक रही हैं और यह है अल फैदी सूक, जहाँ पे बहुत बड़ा सुपर मार्केट है नेस्टो का। इस तरीके से कुछ व्यू है यहाँ का और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, ये मंदिर तकरीबन तकरीबन 35 से 40 साल पुराना है और ये शिव का मंदिर है और साईं बाबा का मंदिर है और ऊपर इसके गुरुद्वारा बना हुआ है, जो कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की इस तरीके से बहुत सारी दुकानें हैं इधर। ये काफ़ी बिजी एरियो में से आता है और कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ का। यहाँ पे कपड़े, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे जो दुकानें कुछ पुराने तरीके से भी बनी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं, इनमें लकड़ी के दरवाजे लगे हैं। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हम इसके अंदर एंटर होते हैं, ग्रैंड सुख बुर दुबई। ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, दुबई के ट्रेडिशनल चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे, जूते चप्पल। और अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप थोड़ी देर में देखेंगे आपके फूल माला की दुकान, धूप अगरबत्ती वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, जो कि आप मंदिर में ले जा सकते हैं। मंदिर में सारे मंदिर की जो भी पूजा सामग्री होती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो आप यहाँ से लेके मंदिर में ले जा सकते हैं। तो गाइज़ अब हम एंटर हो चुके हैं मंदिर वाली गली में। आप इधर देख सकते हैं कि फूल माला, चूड़ी बिंदी सब कुछ है यहाँ पे, जो भी पूजा में लगने वाली सामग्री होती है ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम आगे जाके जूते चप्पल उतार के फिर मंदिर में जाएंगे। अब हम यहाँ पे जूते चप्पल उतार के थाली ले लिए हैं पूजा वाली और अब हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मंदिर में जाएंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा से होते हुए डायरेक्ट अब बाहर आ जाएंगे। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अंदर, कि अंदर इस तरीके से है मंदिर। यहाँ मंदिर में फूल प्रसाद वगैरह
चढ़ाने के लिए यहाँ पे पंडित जी होते हैं, उन्हीं के पास दे देना होता है। आप अंदर तक एंटर नहीं हो सकते हैं, तो आपको लाइन में लग के अपनी पूजा की थाली उनको दे के और प्रसाद लेके, प्रसाद लेने के बाद आप ऊपर गुरुद्वारा में जा सकते हैं। और फिर यहाँ दूर से ही आप आरती वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम कुछ देर यहाँ पे बैठ गए हैं, गन्ने का जूस, मंदिर में जाकर बहुत सुकून मिला, बहुत बेहतरीन। और फिर हम ऊपर गुरुद्वारा में भी गए, गुरुद्वारा में भी गए, हम माथा टेक के आए। बहुत सुकून मिलता है इस एरिया में आके। और यहाँ पे पीपल का पेड़, मस्त हवा चल रही है, और यहाँ पे साइड में बीच, मस्त हवा चल रही है। गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरीके की मजेदार वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।